अयोध्या में योगी सरकार भव्य राम मंदिर निर्माण और अयोध्या के विकास के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओरछा के विकास और राम राजा मंदिर को विश्व स्तरीय रूप देने की कवायद में जुट गई है। सरकार ओरछा में 6 मार्च से आयोजित होने वाले नमस्ते ओरछा महोत्सव को विश्व स्तरीय बना रही है और इसके प्रचार प्रसार में जुटी है। ऐसा माना जा रहा है कि 6 मार्च को ही कमलनाथ सरकार ओरछा के राम राजा मंदिर की आधारशिला रख सकते हैं और ये मंदिर बेहद भव्य होगा। इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओरछा पहुंचे और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमने ये नहीं कहा कि भाजपा नहीं कर सकी, हमने ये कहा कि जिन लोगों ने राम जी के नाम पर वोट बहुत मांगा, उन्होंने राजा राम जी की नगरी में जितना काम किया 15 साल में, उससे 10 गुना ज़्यादा काम हो गया एक साल के अंदर अंदर। तो जो लोग राम के नाम पे वोट मांगते और भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने राम जी के नाम पे वोट नहीं मांगा, हमारी आस्था का केंद्र है यहाँ राजा के रूप में राम हैं, इसलिए सब लोगों ने न केवल ओरछा आसपास के जो भी जगह हैं उन सबको विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और उस अनुरूप सरकार मध्य प्रदेश के सभी जगह निगाह डाल रही है। अच्छा, निरीक्षण भी किया है आपने सभी स्थलों का जहाँ? निश्चित रूप से 6-7-8 तारीख को नमस्ते ओरछा का आयोजन है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6 तारीख को उद्घाटन करने की तैयारी है, तो स्वाभाविक रूप से जो काम चल रहे हैं हमारे प्रशासन और सारे लोग बराबर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं एक बार सब जगह देखूं और अगर कोई कमी है तो उसको ठीक कराने का काम करूं। वहीं बीजेपी भी इसका श्रेय खुद ले रही है। बीजेपी की बात माने तो पिछले 15 साल में ओरछा को पवित्र नगरी बीजेपी की सरकार ने ही घोषित किया। देखिए, उनका अपना नजरिया है, किस नजरिए से सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में ओरछा में बहुत काम हुए हैं और सबसे बड़ा पवित्र नगरी जो घोषित किया था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आपने क्या किया, पवित्र नगरी के साथ अन्याय किया है। आपने वीयर के लाइसेंस देने का जो एक कुचक्र चला है मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक स्थलों पर, ये अच्छी बात थोड़ी है। और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो राम हो चाहे वो कृष्ण हो, जहाँ जहाँ भी हमारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम किया है। और ये बदनाम करने की है, ये जो सियासत कर रहे हैं राम के नाम पर, झूठी सियासत करने का जो काम कर रहे हैं लोगों को, आप ये देखिए यहीं पर जैसे नमस्ते ओरछा का एक कार्यक्रम चला रही, हम लोग इसका स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, नगर के लोगों को, हम लोगों को लग रहा है, लेकिन आप किस ईमानदारी से काम कर रहे हैं? आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे, जो लोग धंधे पानी पर लगे थे आपने उठा करके उनको एक तरफ उठा करके फेंक दिया है। आपको बता दें कि देश की राजनीति आजकल धर्म का सहारा ले रही है। उत्तर प्रदेश में जहां राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट बन गया है, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ ओरछा के राम मंदिर और शहर के विकास के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर कमलनाथ सरकार आगे भी चलने का प्लान बना रही है। निवाड़ी से मयंक दुबे की रिपोर्ट।